नमस्कार दोस्तों, माय किसान दोस्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका किसान दोस्त यश जाट। दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे चैनल पर कमेंट आया था कि इसबगोल की खेती के बारे में बताओ, और ब्लॉग पर भी कमेंट आए थे कि इसबगोल की खेती किस तरीके से करें। और कुछ कमेंट और कुछ मेल तो ऐसी आई कि उसमें लिख रखा था, क्या इसबगोल की खेती से हम करोड़पति बन सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, करोड़पति तो नहीं, लेकिन यह बहुत अच्छी फसल है। यह हल्की ज़मीन में हो जाती है, साथ ही तीन सिंचाई की कुल फसल है, तीन बार पानी लगता है, हो जाती है। साथ ही हल्की से हल्की ज़मीन में भी इसकी खेती की जा सकती है, तो हम मान सकते हैं कि अन्य फसलों से इसका फायदा थोड़ा अच्छा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसबगोल की खेती किस तरीके से करें। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इसबगोल की हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाए कि इसकी खेती किस तरीके से की जाती है। दोस्तों, इसबगोल की खेती भारत के अलावा ईरान, इराक, फिलीपींस आदि देशों में की जाती है। और अगर हम भारत में इसकी बात करें तो यह फसल राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में की जाती है। इसबगोल का उपयोग पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अल्सर, कब्ज, पेसिस, अतिसार जैसे रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एवं इसबगोल के बीज के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम इसबगोल की भूसी कहते हैं। इसका उपयोग औषधि बनाने के अलावा बेकरी बनने वाले आइटमों में भी किया जाता है, जिनका उपयोग विदेशों में भारी मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, इसकी खेती के बारे में बताने से पहले, जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम यहाँ खेती से जुड़ी जानकारी डालें तो उसकी सूचना आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, इसबगोल की जो खेती रबी के मौसम में की जाती है, इसके बीज अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, एवं पौधे के अच्छे विकास के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान अच्छा रहता है। दोस्तों, इसकी बुआई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह तक कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप इसको 7.2 से लगाकर 8.5 पीएच वाली भूमि पर आसानी से खेती कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि हल्की से हल्की ज़मीन में भी इसबगोल हो जाता है। बस ज़मीन में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, खेत की तैयारी करने से पहले खेत को दो बार आड़ा तिरछा एवं खड़ा जोत ले, और फिर पाटा लगाकर ज़मीन को समतल कर ले, भुरभुरी कर ले। खेत की तैयारी के समय 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टर, साथ में आप चाहो तो 25 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश देकर फिर खेत में क्यारियाँ बना ले। क्यारियाँ अपने खेत के आकार अनुसार आप बना सकते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। उन्नतशील किस्मों में इसकी है जवाहर 4, गुजरात 1, गुजरात 2, हरियाणा 1.5, और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जवाहर 4 इसबगोल अनुमोदित है और अच्छी किस्म है। किसान भाई, इसकी दो तरीके से आप बुआई कर सकते हैं, एक तो कतार विधि, दूसरी छिड़काव विधि। अगर आप कतार विधि से बीज बोते हैं तो आपको 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टर लगता है। बीज बोने से पहले किसान बीज को उपचारित कर ले, बाविष्टिन या मेटलक्स से बीज उपचारित करके ही बोए। और यदि आप कतार विधि से बीज बो रहे हो तो कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, एवं पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखें। और छिड़काव विधि में 2 सेंटीमीटर से अधिक गहरा बीज नहीं बोना है। बीज बोने के बाद तुरंत हल्की सिंचाई आपको करना है, उसके 30 दिनों बाद या फिर कल्ले निकलते समय एक और सिंचाई आपको करना है, और उसकी दूसरी सिंचाई जब बाली निकले तब एक हल्की सिंचाई आपको करना है। दोस्तों, बस इन्हीं सिंचाइयों में आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि जब फूल एवं दाना भर रहा हो तब सिंचाई आपको नहीं करना है। दोस्तों, फसल लगाने के 25 दिनों के अंतराल में आप निंदाई गुड़ाई एवं पौध छटाई का कार्य कर लें, और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रख लें। दोस्तों, अन्य फसलों की तरह इस पर भी कुछ कीट और रोग लगते हैं। मैं मुख्य कीटों और रोगों के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं आर्द्र गलन। आर्द्र गलन से बचने के लिए किसान भाइयों, हमेशा बीज को उपचारित करके ही हमें बोना है। दूसरा होता है आसिता, यह एक भयंकर बीमारी होती है, इससे फसल को ज़्यादा नुकसान होता है, इसमें पौधे के पौधे खत्म होने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेनकोजेब 3 ग्राम या मेटल एक्सल बोतल MZ 2 ग्राम दवा
प्रति लीटर पानी में आपको स्प्रे करना है। तीसरा होता है मोहला यानी एफिड, यह एक रस चूसने वाला कीट होता है जो कि पत्तियों का रस चूस जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मेटासी स्टॉक्स 25 ईसी और 1.25 से 1.5 मिलीलीटर या फिर आप इमिडा क्लोरोफिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। मित्रों यह फसल 115 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और जब पौधे की पत्तियां गिर जाए और बालियों को मसलने पर अगर दाने आसानी से आपके हाथ में आ जाए तो इसकी कटाई आपको कर लेना है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें दोस्तों तो 16 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन इसका होता है और इसकी मांग हमेशा बाजार में बनी रहती है और एवरेज भाव 7000 से 12000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है। बेचने के लिए MP गुजरात हरियाणा राज्यों की मंडियों में आप आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों इस फसल में कुछ सावधानियां आपको रखना है वो मैं आपको बता दूं कि फसल का भंडारण हमेशा नमी रहित बैग में करना चाहिए। आप चाहो तो पॉलीथीन में भर के फिर बोरी में भरकर आप इसको रख सकते हैं, नमी नहीं लगना चाहिए कुल मिलाकर बीजों को। और दोस्तों बीज बनने की अवस्था में किसी भी प्रकार की दवाई का आपको स्प्रे नहीं करना है और एक सावधानी आपको रखना है जब बारिश होने की संभावना आपको लगे तो इसकी कटाई में जल्दी कर लें ताकि बारिश से इसके बीज खराब नहीं हो। बारिश से सबसे ज़्यादा इसको नुकसान होता है। और अगर दोस्तों अगर मौसम खुला है किसी भी तरीके की बारिश आने की संभावना नहीं है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बीज पर 80% भूसी की परत अगर जड़ जाए तब ही आप इसकी कटाई करें ताकि आपको उन्नत बीज एवं अच्छा भाव मिल पाए। दोस्तों कैसी लगी आपको इसबगोल की खेती, इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। और इससे करोड़पति तो नहीं लेकिन लखपति तो आप बन ही सकते हैं, बहुत अच्छी फसल है। कुछ सावधानी अगर आप रखें और सही तरीके से खेती करें तो यह अच्छा उत्पादन देती है और थोड़ा अच्छा लाभ भी आपको मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करने के साथ साथ अन्य किसानों को शेयर भी करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय किसान।